सो व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विच आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट हैव बिफोर जॉइनिंग द इंस्टीट्यूट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जिसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी बिफोर जॉइनिंग द इंस्टीट्यूट, ना कि बिफोर जॉइनिंग द कंपनी। मतलब आप पढ़ने जा रहे हैं तब ज़रूरत पड़ेगी, सेलिंग के टाइम नहीं, जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं पढ़ने के लिए, DNS के लिए तब। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब आप IMU का कैंपस ज्वाइन करेंगे तब आपको क्या यूज़ होगा, और आप अगर स्पॉन्सरशिप लेने के बाद अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं जो आपकी कंपनी की इंस्टीट्यूट है, प्रीफर्ड इंस्टीट्यूट, तो आपको क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले तो आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ्स होते हैं। फोटोग्राफ्स आपका वही 2-3 मंथ पुराना चलेगा, उससे पुराना ना हो यार, लेटेस्ट ही रखना, क्योंकि उसका यूज़ आपका रजिस्ट्रेशन में भी होगा, फिर फर्दर आपका एग्जामिनेशन प्रोसीजर और फिर बायोडाटा फॉर्म में भी, और फिर आपका एडमिशन प्रोसीजर में भी यूज होगा। फिर आपका सेकंड बात कर ले तो आपका क्लास 10th का मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, तो ये मेरा CBSE बोर्ड का है, आपका जैसा भी हो अपने बोर्ड का है या फिर स्टेट बोर्ड का, तो आप वैसा यूज़ करिए, ओरिजिनल यूज़ करिए। ये मेरा 10th का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का रिजल्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात कर ले तो क्लास 12th का मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, तो 12th में मार्कशीट अलग होती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होती है CBSE में, और आपके बोर्ड में जैसा भी हो आप वैसे यूज़ करना। तो हम लोग में ये 12th का ये पासिंग मार्कशीट है, और फर्दर बात कर ले पासिंग सर्टिफिकेट, तो ये पासिंग सर्टिफिकेट हम लोग को मिलता है ऐसे। फिर थर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो आपका, फिर फोर्थ डॉक्यूमेंट की, तो फिर ये आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में TC आता है, TC आपको जैसे आप कॉलेज से मिले वैसे यूज़ करें, ओरिजिनल, उस पर स्टैंप लगा उस स्कूल का और प्रिंसिपल का सिग्नेचर, ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए, ये आपका इंटरव्यू के टाइम चेक होता है। फिर फर्दर बात कर ले तो आपका फिफ्थ होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपका ओरिजिनल CBSE की तरफ से, तो आपका ओरिजिनल मिलता है उनके वेबसाइट से या फिर स्कूल में आ जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ये आपके पास होना मस्ट है। और फर्दर बात कर ले तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में इसका भी वेरीफिकेशन होता है। तो यहाँ पर यार अपना स्टेट का रख लेना अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फर्दर बात कर ले तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉलेज का, कॉलेज से मिलता है आपको, वो खुद बना के देते हैं, तो मुझे ऐसे मिला था, मैंने ऐसे अपना रखा हुआ है, उस पर स्टैम्प और प्रिंसिपल साइन होना बहुत ही मस्ट है। फिर आगे बात कर ले तो आपका 8th में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यूज़ कर ले, अगर आप OBC NCL जनरल EWS या फिर SC ST में अगर आपने वहाँ पर चूज़ किया, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना मस्ट, अगर ये नहीं रहा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे बात कर ले तो आपका रैंक सर्टिफिकेट, देखिए अगर रैंक सर्टिफिकेट आपका IMU कैंपस अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको रैंक सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट आने के बाद। रैंक सर्टिफिकेट कुछ ऐसा ही होता है, मैं जब 2019 में क्लास 12th जस्ट क्लियर करने के बाद जब दिया था IMU CET, तो मेरा रैंक आया था 2489, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन कंपटीशन में मैं आया था, कैटेगरी वाइज नहीं है ये रैंक, तो ओपन कंपटीशन मेरा रैंक है तो 2489, काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है, बहुत ही इजीली मैंने क्लियर कर लिया था इसको। तो मुझे उस समय ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी मर्चेंट नेवी के बारे में, स्पॉन्सरशिप के बारे में, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो फिर फर्दर बात कर ले तो आपके पास कॉल लेटर या फिर स्पॉन्सरशिप लेटर, जो कंपनी, अगर आप कंपनी के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर जो कंपनी का मिल रहा है वो आपको लेके जाना पड़ेगा अगर आपको ज्वाइन करना है वहाँ पर। तो लास्ट जो आपका वो है डॉक्यूमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है कि कब लगता है डॉक्यूमेंट। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो यार पासपोर्ट बनवा लो, सबसे पहला काम यही करो, पासपोर्ट बनवा लो, क्योंकि यार वैसे भी रहेगा तो यार काम ही आएगा। और ज्वाइन करने से पहले आपका मस्ट है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपको चाहिए चाहिए। फॉर्म में भी कई इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे कंपनी के फॉर्म में ये मैंडेटरी है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है ना उससे पहले आपको चाहिए ही चाहिए। अगर IMU का कैंपस ज्वाइन कर रहे हैं अगर BSc और BTech के लिए, तब आपको ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद भी आप बनवा सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर लास्ट ईयर, कोई भी फोर्थ ईयर में आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं और स्पॉन्सरशिप के लिए DNS अगर करना जा रहे हैं और वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो आपको ये पहले बनवाना पड़ेगा, ये मस्ट है। ये मेरा पासपोर्ट है, ये मैंने यहाँ पर बनवाया था अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने यहाँ जो भी सेंटर हो तो आप वहाँ पर जाकर बनवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और अगर कोई भी मर्चेंट नेवी का अगर आपका एस्पिरेंट है आपके घर में तो उसके साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
अगर आपके पास कोई और डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।